कौन है आखिरकार ये मरीना कुंवर? क्यों मरीना कुंवर का नाम फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लग गया? क्यों अगर आप गूगल करते हैं तो मरीना कुंवर को मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है? आइए आपको बताता हूं कि मरीना कुंवर कौन है। मैं राहुल भूत स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड स्पाई में, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सोनू निगम जी ने एक वीडियो बनाई और इस वीडियो में उन्होंने जो है टी सीरीज के कर्ता धर्ता मिस्टर भूषण कुमार को सीधा ओपन चैलेंज कर दिया कि आप मुझसे मत उलझो, और अगर आप उलझोगे तो सोच लेना मरीना कुंवर की वीडियो मेरे पास है। अब दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सोनू निगम ने तो ये बातें बोल दी, लेकिन सोशल मीडिया पे मरीना कुंवर का नाम जो है ट्रेंड होने लग गया। बताना चाहता हूं कि मरीना कुंवर का नाम फिर से सामने आ गया। 2018 की बात है, इंडिया में चल रहा था मीटू कैंपेन। आपको बताना चाहता हूं इस कैंपेन को लाने वाली थी तनुश्री दत्ता, जहां पर बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए, नाना पाटेकर से लेकर साजिद खान से लेकर दोस्तों और भी बहुत बड़े बड़े नाम। हम सब तब चौंक गए थे जब भूषण कुमार का नाम सामने आया था, जो कि टी सीरीज के कर्ता धरता है, और मरीना कुंवर ने ये बात रखी थी कि मैं उनसे ऑफिस में मिलने गई थी, हनी सिंह का एक गाना था उसी के कास्टिंग के मामले में, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और सीधा मेरे ऊपर हमला कर दिया था। किसी तरीके से मैं वहां से निकली और मेरा कहीं ना कहीं होते हुए बच गई मैं। दोस्तों मरीना कुंवर ने उस समय काफी ज्यादा चर्चाएं बटोर ली थी दोस्तों, और साथ ही साथ लोग पूछने लगे थे कि ये है कौन। बता दूं आपको दोस्तों, तो मरीना कुंवर एक एक्ट्रेस हैं, एक मॉडल हैं, उन्होंने सीआईडी और आहट के सीरियल्स में जो एपिसोड्स हैं उनमें काम भी किया है, और साथ ही साथ अक्षय कुमार साहब के साथ वो एक फिल्म करने वाली थी दोस्तों, जो कि मिलियन डॉलर बेबी, जो कि हॉलीवुड की फिल्म है, उसी का ही हिंदी अडेप्टेशन था, बट वो कभी भी टेक ऑफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो फिल्म जो है शेल्व्ड हो गई। लेकिन उसी दौरान हुए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार जी के साथ काम करना इज सच एन ऑनर फॉर मी, और ही इज अ ग्रेट एक्टर एंड आई अडोर हिम वेरी मच। सो दोस्तों मरीना कुंवर कौन है, कहां से नाम इनका फिर से सामने आया, ये चीजें चर्चाओं का विषय बन गई। और सोनू निगम ने जो ये बात रखी कि मरीना कुंवर का वीडियो मेरे पास है, तो ये कौन सा वीडियो है ये हमें नहीं पता, लेकिन यस ये चीजें सामने आई। आपको बता दूं दोस्तों, तो मरीना ने ये बात का भी उन्होंने खुलासा किया कि वो भी डिप्रेशन के दौर से गुजर चुकी हैं, और वो उनको भी अपने मेंटल लेवल पे, अपने मेंटल स्टेट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई थी, जब उन्होंने जो है उनके साथ ये जो सारी घटनाएं हुई थी वो भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, कोप अप नहीं कर पा रही थी उस सिचुएशन से। दोस्तों आप लोगों को क्या है कहना, अब ये जो बातें खुलकर आ रही हैं, चीजें खुलकर आ रही हैं, सोच समझ के पूरी रिसर्च करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या है लगता। आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, और बने रहिए चैनल के साथ। टेक केयर। नमस्ते दोस्तों, पास्ट में आपने बॉलीवुड स्पाई को ढेर सारा प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवादी हूँ। अब वक्त आया है एक नए चैनल को प्यार और सम्मान देने का, यानी कि फूड स्पाई को, जहां पर आपको अलग अलग अनोखी रेसिपीज तो मिलेंगी, साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या खाते हैं, उनके डाइट प्लान्स क्या हैं, और तरह तरह की अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है फूड स्पाई का, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलता हूँ।